हरे कृष्णा। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय हो। मैं आपके लिए बहुत सुंदर सी छोटी सी लीला लेकर आई हूँ, जो मैंने भी सुनी। मैं आपको बहुत देर से बता रही थी वीडियोज़ में कि श्री जी कितनी ज़्यादा मर्सीफुल है। चलिए मैं आपको लीला सुनाती हूँ, मेरा मन कर रहा था मैं आपको सुनाती हूँ, है ना। एक बार वृंदावन में एक सूरदास जी थे, सूरदास जी जिनको हम सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक सूरदास जी और थे, ठीक है। और वो सूरदास जी हमेशा पूरी लाइफ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भजन किया था, श्री जी का नाम लिया था हमेशा। वो श्री वृंदावन धाम और जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री कृष्ण राधे, ऐसा हमेशा जपते रहते थे। उन्हें भगवान का नाम लेना, श्री जी का नाम लेना, वृंदावन का धाम लेना, नाम लेना इतना पसंद था कि एक दिन नाम सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। अब सूरदास जी हैं, आईज तो उनकी नहीं थी, ठीक है, ब्लाइंड थे वो, मगर वो इतने परम भक्त थे भगवान के कि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि बाबा तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा भक्ति की है और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मांग लो मुझसे जो मांगना है। तब सूरदास जी ने उनको बोला कि लाला अकेले आए हो, मैंने तो कहा था श्री जी को साथ लेकर आना। तो भगवान ने उनसे बोला कि श्री जी को साथ लेकर आया हूँ, लेकिन श्री जी नहीं आई थी, भगवान ने उनसे झूठ बोला था। तो वो बाबा बोलते हैं कि लाला झूठ बोलते हो, श्री जी तो साथ में नहीं आई है। और वो रोने लग गए, एकदम ही रोने लगे। श्याम सुंदर ने पूछा कि क्या हुआ बाबा, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी रहने दो, अगर किशोरी जो आई होती ना तो तुमने तो हमसे ये पूछा, भगवान ने उनसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए बाबा, आज मांग लो मैं आ गया हूँ, कितनी भक्ति की आपने मेरी। लेकिन अगर किशोरी जू आती ना तो वो पता है क्या करती, वो मुझे ऐसा देख ही ना पाती, मुझसे पूछती नहीं, मुझे देखते ही सबसे पहले मेरे को मेरे नेत्र प्रदान करती, इतनी ज़्यादा कृपालु हैं वो, उनसे मेरा कष्ट ना देखा जाता, क्योंकि वो किसी का कष्ट नहीं देख सकते कभी भी नहीं। चाहे वो इंसान कोई भी कितना भी गलत हो, कोई भी नास्तिक हो, वो कह दे भगवान नहीं है, वजूद ही नहीं है, तो भी किशोरी जो इतनी ज़्यादा मर्सीफुल है, इतनी ज़्यादा कृपालु है कि उसके ऊपर कृपा कर देंगे। इसीलिए उन बाबा ने उनसे बोला कि अगर किशोरी जो आई होती तो सबसे पहले मुझे नेत्र प्रदान करती, तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ही हमारी लाडली लाल, हमारी किशोरी जो वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं, और प्रकट होती सबसे पहले जैसे ही श्री जी प्रकट हुई उसी टाइम इंस्टेंट उन बाबा के नेत्र आ गए, उनके नेत्रों की ज्योति आ गई, आँखें आ गई उनकी, इतनी कृपालु है हमारी श्री जी। इसीलिए उनको कहा जाता है बरसाने वाली, क्योंकि श्याम सुंदर कृपा करते हैं लेकिन श्रीमती राधा रानी कृपा बरसाती हैं, इसीलिए है वो बरसाने वाली। बोलिए बरसाने वाली की जय हो, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय हो। हरे कृष्णा हरि बोल, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।